10 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। यहाँ क्रिकेट को एक धर्म और क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है। क्रिकेट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है तथा पूरी दुनिया में इसके फैंस मौजूद हैं। यूं तो आजकल हर छोटे बड़े मैच का टेलीकास्ट टीवी पर होने लगा है, लेकिन स्टेडियम में जाकर मैच देखने का एक अलग ही रोमांच है। आज हम आपको दर्शक क्षमता के आधार पर दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताने जा रहे हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपने एक वीडियो में हमने आपको दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब सिनेमा हॉल्स के बारे में बताया था, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ती है। एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई। 50,000 दर्शक क्षमता वाले भारत में 3 स्टेडियम हैं, जिसमें से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम का निर्माण 1916 में हुआ था। यहां पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 10 फरवरी 1934 में खेला गया था। एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया। 1871 में बना एडिलेड ओवल स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है। यहाँ ना केवल क्रिकेट मैच होते हैं बल्कि फुटबॉल, रग्बी, टेनिस और कभी कभी म्यूजिकल शोज भी आयोजित किए जाते हैं। इस स्टेडियम में 2 दिसंबर 2017 को एशिया क्रिकेट मैच में 55,317 दर्शकों की सबसे ज्यादा प्रेजेंस दर्ज की गयी थी। यहाँ पहला मैच 12 दिसंबर 1884 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद, इंडिया। 55,000 दर्शक क्षमता वाले राजीव गांधी स्टेडियम का निर्माण 2003 में हुआ था। यह पहला मैच 2010 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। ये स्टेडियम आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, त्रिवेंद्रम, इंडिया। केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित इस स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल मैचों का भी आयोजन किया जाता है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण 2015 में हुआ था और यहां पहला क्रिकेट मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 2018 में खेला गया था। इसकी दर्शक क्षमता भी 55,000 है। ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्टस स्टेडियम या पर्थ स्टेडियम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बर्सवुड में बनाया गया है। 2017 में बनाया गए इस स्टेडियम में 60,000 लोग मैच देख सकते हैं। इस मैदान पर पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। क्रिकेट के अलावा यहां फुटबॉल मैच भी खेले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बन रहा ये स्टेडियम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक जानकारी के अनुसार ये स्टेडियम 30 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसे ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने लिया है। ये मैदान 2023 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। इसमें लगभग 60,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें फ्लड लाइट, एक स्विमिंग पूल, सोना बाथ, मॉडर्न जिम, ड्रेसिंग रूम और 30 कॉर्पोरेट बॉक्स भी होंगे। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, छत्तीसगढ़। साल 2008 में नया रायपुर में बने इस स्टेडियम की गिनती दुनिया के टॉप 10 स्टेडियम्स में की जाती है। इस मैदान में एक साथ 65,000 दर्शक बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। ज्यादातर आईपीएल मैच स्टेडियम में होते हैं। इस मैदान पर पहला मैच 2010 में खेला गया था। ईडन गार्डन, कोलकाता, इंडिया। कोलकाता में बने ईडन गार्डन स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट का घर माना जाता है।
ये एक ऐसा स्टेडियम है जहां हर खिलाड़ी मैच खेलने का सपना देखता है। 1864 में बने इस मैदान पर पहला मैच 1934 में इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। इसकी दर्शक क्षमता तो 66,000 है, लेकिन यहाँ खेले गए कुछ मैचों में दर्शकों की प्रेजेंस 1,00,000 से ज्यादा दर्ज की गई है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। ये स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में बना है। ये दुनिया के सबसे पुराने स्टेडियम्स में से एक है। 1853 में बने इस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच 15 से 19 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। क्रिकेट के अलावा इसका इस्तेमाल फुटबॉल, रग्बी, टेनिस, साइकिलिंग के लिए किया जाता है। इसकी दर्शक क्षमता 1,24,000 है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें एक साथ 1,10,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकते हैं। इस स्टेडियम का निर्माण 1983 में किया गया था, लेकिन हाल ही में इसका रेनोवेशन किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कितनी भी बारिश क्यों ना हो, मैदान सिर्फ आधे घंटे में सूख जाएगा। स्टेडियम में फ्लड लाइट की जगह LED लाइट्स लगाई गई हैं। इसके अलावा इसमें 50 डीलक्स रूम्स और 5 स्वीट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए जगह, रेस्टोरेंट, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, जिमनेशियम, पार्टी एरिया, 3D प्रोजेक्टेड थिएटर, टीवी रूम भी है। इस स्टेडियम के रेनोवेशन में 700 करोड़ से ज्यादा खर्च आया है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो जरूर आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।